Welcome to the lecture number 3 of the subject desktop publishing. The topic of today's discussion is introduction, definition, and purpose of the desktop publishing. In previous two lectures, we have discussed the concept of computer graphics, types of computer graphics, and the difference between the bitmap images and vector images. We also discussed the advantages and disadvantages of both types of images. So today we will discuss the definition and purpose of DTP. Now, first of all, before understanding the DTP, we should be clear. We must be clear with the concept of publishing. So simply, जब हम ये वर्ड यूज करते हैं, बहुत वर्ड यूज करते हैं, पब्लिश करना, पब्लिशिंग. पब्लिशिंग मीन्स मेकिंग द कॉन्टेंट अवेलेबल टू द पब्लिक. पब्लिक को कॉन्टेंट अवेलेबल करना अपना, उसको बोलते हैं पब्लिशिंग. मीन्स आपके पास कुछ कॉन्टेंट है और उसको पब्लिक के लिए अवेलेबल करना. तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पब्लिशिंग, मेकिंग द कॉन्टेंट अवेलेबल टू द पब्लिक. पब्लिक के लिए आपको कॉन्टेंट अवेलेबल करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं पब्लिशिंग. और अब पब्लिक के लिए कॉन्टेंट अवेलेबल करने के लिए हमारे पास कौन सी टेक्निक्स हैं? हम न्यूज़पेपर्स यूज कर सकते हैं, कार्ड्स, पैम्फलेट, पिक्चर्स, कैलेंडर्स, बुक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. और पब्लिशिंग में हम यूज करते हैं टेक्स्ट और ग्राफिकल लेआउट और डिजाइंस को. तो अब ये तो हो गया जी पब्लिशिंग. सिंपल पब्लिशिंग क्या होती है? टू मेक द कंटेंट अवेलेबल टू द पब्लिक. और ये हम कर सकते हैं थ्रू न्यूज़पेपर्स, बुक्स, कैलेंडर्स, पिक्चर्स, पैम्फलेट्स, कार्ड्स. एंड ऑल दीज थिंग कंटेन्स स्पेशल टेक्स्ट एंड ग्राफिकल लेआउट्स एंड डिजाइंस. तो इनिशियली ये सारा हम करते थे वुड पे, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, फिर पेपर यूज करने लगे, तो आजकल हम इस पब्लिशिंग के लिए यूज करते हैं कंप्यूटर को. अगर हम पब्लिशिंग के लिए पर्सनल कंप्यूटर को यूज करें तो फिर हम उसको बोलते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग. सो डेस्कटॉप पब्लिशिंग कैन बी डिफाइंड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिशिंग विद द हेल्प ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स. आई होप आपको क्लियर हुआ. तो चलिए आप डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार. Desktop publishing refers to the process of producing publication by designing their text and graphics layout using desktop publishing software installed on personal computers. So, जैसे मैंने आपको पहले बताया, the concept of publishing using the personal computer. So, आप पर्सनल कंप्यूटर को यूज करके पब्लिकेशन करोगे तो ऑब्वियसली जो आप पब्लिश करोगे कंटेंट, उसको डिजाइन करोगे, उसके ग्राफिक लेआउट डिजाइन करोगे, और उन सभी को करने के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करोगे. और वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किस चीज पे होगा? पर्सनल कंप्यूटर पे. सो डेस्कटॉप पब्लिशिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग पब्लिकेशन बाय डिजाइनिंग देयर टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स लेआउट यूजिंग स्पेशल डेस्कटॉप पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड ऑन द पर्सनल कंप्यूटर. तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैंने कहना हो कि डीटीपी क्या है, तो डीटीपी है जी कंटेंट को पब्लिश करना बाय यूजिंग द पर्सनल कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ स्पेशल डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स. सिंपल. अगर पब्लिशिंग को आप डेस्कटॉप अपने कंप्यूटर को यूज करके स्पेशल सॉफ्टवेयर से उसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स एड करके पब्लिश करते हो, प्रोड्यूस करते हो, तो उस सारे प्रोसेस को हम कहेंगे डेस्कटॉप पब्लिशिंग. क्योंकि अब डेस्कटॉप हियर मींस द पर्सनल कंप्यूटर, पब्लिशिंग मींस मेकिंग द कंटेंट अवेलेबल टू द पब्लिक. अब जो आप पब्लिकेशन कंप्यूटर्स पे यूज करते हो, क्योंकि आप स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज करोगे, तो आपके पास बेटर ऑप्शन होंगे ग्राफिकल लेआउट्स के, एडिटिंग के, फॉर्मेटिंग के और प्रिंटिंग के. एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स की? एडोबी का पेज मेकर, एडोबी का फोटोशॉप, एडोबी का इलस्ट्रेटर,
कॉरल ड्रॉ एंड माइक्रोसॉफ्ट का पब्लिशर. ऑल दीज आर फेमस डी टी पी सॉफ्टवेयर. हम जो अपने इस सीरीज में डिस्कस करेंगे, अपने सिलेबस में डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे एडोबी का फोटोशॉप और कॉरल ड्रॉ. बिटमैप एडिटिंग को हम बिटमैप इमेजेस को एडिट करने के लिए, मैनिपुलेशन के लिए हम यूज करेंगे एडोबी का फोटोशॉप, और वेक्टर्स को क्रिएट करने के लिए, उनको एडिट करने के लिए हम यूज करेंगे कॉरल ड्रॉ. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, आजकल हमारे पास जैसे एमएस ऑफिस है, उसमें भी आप ग्राफिक्स, इमेजेस, वो सारी चीजें इंसर्ट कर सकते हो. तो फिर डिफरेंस क्या है डेस्कटॉप पब्लिशिंग और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में? आई होप आप क्लियर हो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर इन विच यू कैन क्रिएट द फाइल्स, एडिट द फाइल्स, सेव और प्रिंट कर सकते हो, जिसमें आप टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों चीजें ऐड कर सकते हो. लेकिन डेस्कटॉप पब्लिशर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिर्फ डिजाइनिंग के काम होते हैं. उसमें आप टेक्स्ट फाइल्स क्रिएट करना, दे आर नॉट वेरी मच लॉजिकल. हाँ, हो जाती है एक्चुअल प्रिंटिंग के लिए. तो इट मीन्स अगर आप पब्लिशिंग के लिए कुछ यूज करना चाहते हो, पब्लिशिंग मीन्स बुक्स, न्यूज पेपर, फिर तो आप डेस्कटॉप पब्लिशर सॉफ्टवेयर ही यूज करोगे, चाहे सारा काम टेक्स्ट का ही हो आपका. लेकिन फाइल्स को क्रिएट और मैनेज करने के लिए आप यूज करोगे वर्ड प्रोसेसर. तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है जी? डीटीपी सॉफ्टवेयर में आपके पास ज्यादा टूल्स होते हैं, ज्यादा कंट्रोल्स होते हैं इमेजेस को एडिट करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए. आपके पास ज्यादा पेज लेआउट ऑप्शंस होते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन और मैनिपुलेशन के पास आपके पास ज्यादा टूल्स होते हैं, और ज्यादा ग्राफिक डिजाइन टूल्स होते हैं डेस्कटॉप पब्लिशर में एज कम्पेयर टू द वर्ड प्रोसेसर. हालांकि ये चीजें वर्ड प्रोसेसर में भी हो सकती हैं, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं हो सकती, क्योंकि आप इमेजेस को एडिट नहीं कर सकते फोटोशॉप में, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में. अगर इमेजेस को एडिट करना है फिर तो फोटोशॉप ही यूज करनी पड़ेगी, फिर तो कॉरल ड्रॉ ही आप यूज करोगे अगर वेक्टर्स को एडिट करोगे. तो आपके पास डेस्कटॉप पब्लिशर में ज्यादा टूल्स और ऑप्शंस होते हैं, जिससे आप अच्छा डिजाइन बना सकते हो, अच्छा लेआउट बना सकते हो, टेक्स्ट को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो, इमेजेस को एडिट कर सकते हो. नाउ टॉकिंग अबाउट द पर्पस ऑफ द पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, तो हमारे पास तीन मेन पर्पसेस हैं जी डेस्कटॉप पब्लिशिंग के. सबसे पहला है ग्राफिक डिजाइन. डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर को यूज करके टाइपसेटर वो बंदा होता है जो डिजाइनिंग करता है. द पर्सन हु यूजेस द डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स टू क्रिएट द पब्लिकेशन इज कॉल्ड टाइपसेटर. तो ग्राफिक डिजाइन सबसे जो पहला पर्पस है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का, वो है ग्राफिक डिजाइन. यू कैन क्रिएट एडिट वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट एंड ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ हाई क्वालिटी. आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट और ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स जो ज्यादा हाई क्वालिटी के हो, उनको आप एडिट और क्रिएट कर सकते हो. आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं. द सेकंड पर्पस ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशन इज पेज लेआउट डिजाइन. तो पेज लेआउट डिजाइन में आपके पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में आपके पास पेज लेआउट के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिनको यूज करके आप अलग अलग तरह का पेज लेआउट, आपने कार्ड बनाना है, आपने पैम्फलेट बनाना है, आपने थ्री फोल्ड डिजाइन बनाना है, ब्रोशर बनाना है, आपने मेन्यू डिजाइन करना है, टू फोल्ड करना है, थ्री फोल्ड करना है, पैम्फलेट क्रिएट करना है, ए फोर साइज का करना है, ए थ्री साइज का करना है, ए टू साइज का कार्ड बनाना है. तो आपके पास बहुत ज्यादा लेआउट के ऑप्शन होते हैं. एंड द थर्ड इज प्रिंटिंग. तो डीटीपी में आपके पास ज्यादा प्रिंटिंग ऑप्शंस होते हैं फॉर पब्लिशिंग द कंटेंट. ज्यादा आपके पास इंडिपेंडेंस होती है. रन टाइम में आप प्रिंटिंग में बहुत सारी चीजें, इमेज को स्केल कर सकते हो, उसका साइज रिड्यूस कर सकते हो, डीपीआई उसके डिफाइन कर सकते हो, डॉट्स पर इंच. तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं. तो दीज आर द मेन पर्पसेस ऑफ द डेस्कटॉप पब्लिशिंग
सॉफ्टवेयर. सो दैट्स कंक्लूड, उसके बाद दैट कंक्लूड्स आर टुडेज डिस्कशन. हमारी आज की इतनी ही डिस्कशन थी. आज हमने डिस्कस किया डीटीपी. डीटीपी में हमने सबसे पहले देखा द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिशिंग. पब्लिशिंग मीन्स मेकिंग द कॉन्टेंट अवेलेबल टू द पब्लिक, और ये हम कर सकते हैं थ्रू न्यूज़पेपर, कार्ड्स, पैम्फलेट, पिक्चर्स, कैलेंडर, बुक्स एटसेट्रा, जिसमें स्पेशल टेक्स्ट और ग्राफिक्स हों. तो पहले हम वुड को यूज करते थे, फिर पेपर और इंक आया, तो आजकल हम कंप्यूटर्स को यूज करते हैं. अगर आप कंप्यूटर को यूज करके पब्लिकेशन कर रहे हो तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग. मींस पब्लिशिंग और प्रोड्यूसिंग द पब्लिकेशंस बाय डिजाइनिंग देयर टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स लेआउट यूजिंग स्पेशल डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड ऑन द पर्सनल कंप्यूटर. पर्सनल कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर को यूज करके पब्लिशिंग करनी, उसको हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहते हैं. तो उसके बाद हमने डिफरेंस डिस्कस किया डेस्कटॉप पब्लिशिंग और वर्ड प्रोसेसर में. डीटीपी में आपके पास ज्यादा टूल्स होते हैं जिससे आप ज्यादा अच्छे ग्राफिक्स और टेक्स्ट इफेक्ट्स लगा सकते हो. उसके बाद हमने पर्पस डिस्कस करे. तीन मेन पर्पस हैं. आपके पास बेटर ग्राफिक डिजाइन है टेक्स्ट और इमेजेस के लिए, आपके पास ज्यादा पेज लेआउट के ऑप्शंस और डिजाइंस हैं, एंड यू हैव बेटर प्रिंटिंग ऑप्शंस इन डीटीपी. सो दैट कंक्लूड्स टुडेज सेशन.